अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस्लामाबाद में सर्दी काफी ज्यादा होगी, इसी वजह से भाई मैंने हुडी शुडी अपने निकाल लिए। इस अलमारी में तो जगह बची ही नहीं, इस अलमारी में सारी अपनी वो टी शर्ट्स वगैरह डाली हुई हैं, यहाँ पे भी ऐसी शर्ट्स वगैरह। और ये जिन लोगों को नहीं पता, ये अनिया सेक्शन ऊपर है और बाकी सारा हमारा सेक्शन है, और हमारे सेक्शन के अंदर ये सारी यहाँ पे चल रही होती हैं। एंड यहाँ पे शर्ट्स हैं, यहाँ पे जीन्स हैं, और ये काफ़ी वैसे ख़राब हुआ हुआ है। और अभी हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये हमारी बेगम ने देख लिया कि ये ख़राब हुआ हुआ है, तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि हमारा जो कमरा है या अलमारी है, ये जो भी है, वो बिखरा हो। तो टाइम आ गया कि इसको ठीक कर लिया जाए। एंड ये प्रॉपर इन्होंने सारा ब्रेकडाउन यहाँ पे रखा हुआ है कि भाई हमारे कभी आर्गुमेंट ही ना हो कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों पड़ी है, ये चीज़ यहाँ पे क्यों पड़ी है। और इसलिए इन्होंने सारा कुछ मुझे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये अभी इसकी ऑर्गेनाइजिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो करते हैं बंद। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई कमरे से। तो कमरे में ड्रेसिंग टेबल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहली नज़र जो है उनकी वो इस पर पड़ेगी। ये तो वैसे आई थिंक सही है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला है, ये तो इनका ही है। ये सब तो क्लियर है। बेड की तरफ आते हैं, तो बेड पे ओके, ये तो साफ करना पड़ेगा गाइस। सबसे पहले तौलिया बिस्तर पे बेगमों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसको दो सेकंड के लिए साइड पे रखते हैं, बाथरूम में वापस रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसको यूं करते हैं, ब्लैंकेट को ठीक करते हैं, इस साइड से करते हैं इसको जरा नीट एंड क्लीन। ये तो हो गया, ये तकिया एंड उधर से वाले तकिया भी ठीक करते हैं। शाबाश गाइस, ये तो हो गया, ये हमसे इतना ही होता है। अभी जरा तौलिया जो है ये बाथरूम में रखें, ये लॉन्ड्री बास्केट भी बाथरूम में रखें। बास्केट आ जाएं, ये रखें हम यहाँ पे। लॉन्ड्री वाले सारे गंदे कपड़े हम डालें इसमें, तौलिया हम टंगाते हैं इसमें, इसको भी ठीक करते हैं। यार एक हाथ से हो नहीं सकता, तो फिर मैंने ज़रा कैमरा साइड पे रखा और ये अभी मैंने ठीक किया। गाइस बाथरूम का डिपार्टमेंट डन। गाइस ये जो हमारे साइड टेबल पे लैंप्स है ना, इनकी एप्स हैं, हम इनको ऑपरेट करते हैं, टेम्परेचर वगैरह, तो ये दोनों ऑफलाइन है, मतलब कि किसी ने तारे शारे जो हैं वो छेड़ी हैं, इनको ज़रा ठीक कर लें। मुझे लगता है कि मेरी साइड वाला जो लैम्प है उसकी मेरे से कोई शदीद किस्म की दुश्मनी है, क्योंकि अनिया वाला लैम्प तो मैंने जला दिया है, वो तो जल गया। ये भाई साहब जो है कनेक्ट नहीं हो रहे, तो चलें अभी एक से गुजारा करते हैं एंड थोड़ा माहौल शॉल बनाते हैं। ये देखें जरा, कोजी कोजी होटल रूम वाली फीलिंग आती है ना, अगर दोनों जल रहे होते तो थोड़ी ज़्यादा आती, लेकिन अब नहीं जल रहे तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब हम चलते हैं ऑफिस, ऑफिस में थोड़ा सा काम था, वो काम शाम वाइंड अप करते हैं, फिर और बहुत काम है, फिर घर के काम है। मोटा खान है? मोटा खान कौन है? मोटा खान, मोटा खान हमारी मम्मी है। नहीं है मम्मी, मम्मी मोटा खान है? नहीं मम्मी स्मार्ट है। अच्छा बताओ, वो स्मार्ट तो है। गाइस हम ना अपनी मम्मी को बड़े प्यार से ना मोटा खान बोलते हैं, तो क्योंकि हमारी मम्मी मोटा खान से इतनी स्मार्ट हो गए हैं, तो अभी भी हम बाय डिफॉल्ट तो अपनी मम्मी को मोटा खान समझते हैं, तो मोटा खान बोलते हैं। मोटा खान रेडी रहना। अच्छा सुने, वो रिजर्वेशन तो करवा लो। मैं कभी जिंदगी में करवाई ही नहीं, ऐसा नहीं काम करवाती है। हाँ। तो करवा दो ना, तुम करवा दो ना। रिजर्वेशन भी कराते, किस चीज की करानी वो भी बताते हैं आपको। क्या अनिया को तो ले आओ। अभी अनिया ने लैंड करना है आई थिंक 8:50 पे। अच्छा। हाँ, तो अभी तो मैं 10 मिनट पहले उड़ी होगी, अभी हैं अभी कोई 1-1.5-2 घंटे। अच्छा, मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ। खैर जाओ तो खैर ना लाओ, नीचे जा रहा हूँ। तो वो ऑफिस ही है ना, जाओ चलो शाबाश। हम यहाँ से गुजरते हैं ना, तो हमारे मामू हमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यहीं पे मिलते हैं। कपड़े इस्त्री करते हो अपने? अभी तो आपने किए थे इस्त्री? नहीं यार, अभी वो उस अभी शर्ट की है, इसके बाद अब ट्राउजर कर लगता है। आपको ये वाली जगह ज्यादा अच्छी लगती है? हाँ, ये जब भी हमारी ऑडियंस के सामने कोई कैमरे में आप आते हैं तो हमेशा यहीं पे होते हैं। नहीं यार, हाँ, इत्तेफाक। मैंने कोई मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो जब भी बनाई है ना, अभी जब आप यहाँ पे थे तो आप इधर ही खड़े थे इत्तेफाक से। आधा टाइम आप ब्रूनो से डर रहे थे और आधा टाइम आप यहाँ पे थे। डर अभी भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नाकामयाब हो रहे हैं। अब हम चलते हैं ऑफिस, ऑफिस बैठते हैं। अच्छा गाइस, ऐसे मैं सोच रहा था कि यार देखें कितना ब्लेस्ड बंदा फील करता है कि बंदा यहाँ से बस की सीढ़ियाँ उतरे और ये बंदे को ऑफिस स्टार्ट हो जाए। ये किसने खोला? यहाँ से अब आते साथ ही ये ब्लिसफुल HQ हेडक्वार्टर स्टार्ट हो जाता है। ये बॉयज लगे हुए हैं एंड ये पार्सल लगे हुए हैं। आज के पार्सल गाइस ये भी थे, कुछ यहाँ पे थे, वो सारे आधे तो जा चुके हैं और आधे जो हैं वो ये जा रहे हैं। पिछले कुछ दिन एक्चुअली पिछले कुछ हफ्ते जो हैं वो इतने ऑक्यूपाइड रहे हैं, ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा ब्लिसफुल, तो हमारा दिन रात सारा कुछ यहाँ पे गुजरता है। अभी टाइम हो रहा है 8:03 हो रहे हैं और अभी लिटरली हम फारिग हुए हैं, मतलब कि भाई साहब ना व्लॉग बनाने का टाइम है,
ना कुछ और करने का टाइम है। सारा दिन हम सुबह उठते हैं 9-10 बजे यहाँ पे और रात को 8-9 बजे लड़के सारे चले जाते हैं और फिर हम काम करते हैं रात के 10-11-12-1 बजे तक ऑफिस में। लड़के जाते हैं तो अगले दिन की तैयारी फिर हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली मज़ा भी बहुत आ रहा है लेकिन काफ़ी टैक्सिंग भी है। फाइनली टाइम टू पिक कनिया अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। कनिया के लैंड होने में कोई 25 मिनट है। आई होप 25 मिनट पहुँच जाएँ, लेकिन एक छोटा सा डिले में ये वाली गाड़ी मुझे लेके जानी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं। पेट्रोल डलवाने का तो मसला नहीं है लेकिन हमारे पास टाइम इतना नहीं हो। पहले ये चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आई होप के हो इतना हो कि एयरपोर्ट तक पहुंच जाए बस। प्रेस रिक्वायर्ड नहीं भाई। पेट्रोल कितना है रेंज? 76 किलोमीटर। चले एयरपोर्ट वाले पंप से डलवा लेंगे। बिस्मिल्लाह लेट्स गो। एयरपोर्ट तो पहुंच गया और ये मैंने ना ऑनलाइन ज़रा ट्रैक किया फ़्लाइट, तो इरोनिया की फ़्लाइट है ये तो 8:39 पे लैंड कर चुकी है, लेकिन मैडम फ़ोन नहीं उठा रही। नहीं, इस दफ़ा उठा लेंगी। और शॉर्ट से हेलो, किधर हो? बस सामान का वेट कर रही। बट यू टुक वन हैंड कैरी विद यू। अच्छा अभी कितनी देर है? बस नजर आ गया, मैं थोड़ा एंड में खड़ी हूँ। थोड़ा जल्दी से जाके बैग लेके आओ ना, भाग के। नहीं ना, हैंड कैरी भी है ना, वो छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके okay, जल्दी आओ। खाली हाथ गई थी अनिया सिर्फ एक हैंड कैरी लेके, और वो आपको दूर से नजर आएंगे एक बड़ा सूट केस लाते हुए। ये खाली है? हाँ। क्या है इसमें? कुछ नहीं, जो इसमें था उसमें डाल दिया, हल्का सा। तो ये देखो, ये भी फुल है। ये भी फुल है? नहीं फुल। क्या? What? This one looks nice. Oh. Show you guys. ठीक है। इधर ही रख दो। Show you guys. Let's go. Show you guys. कर चलते हैं। गाइस मैंने ना बड़े मजे से 10 बजे की रिजर्वेशन कराई हुई थी, और वो भी जी रिजर्वेशन कराई हुई है ऑन अ ट्यूजडे। मतलब पता नहीं होता ना कि कभी ऑक्यूपाइड है नहीं, तो पॉइंट ये था कि हम टाइमली पहुँचे, फिर भी मैंने मार्जिन रखा था। अब हमें अपने घर वालों को पता तो है कि वह हमेशा लेट करते हैं, तो अभी आई होप कि रेडी हूँ। ठीक है बिल्कुल, आप बताएं कैसी हैं? मोटा खान इधर आ जाए। बाकी सब अपना चूज कर लें इसको किसके साथ आना है। तो हमारी पार्टी में यहाँ पे है अनिया, सीमी और हमारी मम्मी, बाकी सब जा रहे हैं उस गाड़ी में। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि सबको, ये एक मेरा फेवरेट टर्किश कुजीन रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पे लेके आऊँ। हम सारे आ गए हैं, बाकियों का वेट कर रहे हैं हम। गाइस ये देखेंगे, हम इतनी जल्दी पहुँच गए थे और ये लोग अब आ रहे हैं। ये अब आए हैं, ऑर्डर कर लेते। हमारी मम्मी ने ना बाल बनाए हैं। अच्छा नोट ना, नया जोड़ा पहना है, गिफ्ट मिला है। और क्या है? गिफ्ट मिला है, ज्यादा खुशी हो रही है। किसने दिया? अपना ने। तारीफ इसलिए बता रही हूँ कि जब बच्चे देते हैं तो बड़ी खुशी होती है। आप जनरेशन चलेंगे। हाँ दूसरा बच्चा। भैया अच्छा तरीका है। हमारी मम्मी को ना तारीफ चाहिए, तारीफ। यहाँ पे टेबल पे जितने भी लोग बैठे ना, तारीफ इतनी दे नहीं रहे, तारीफ दे इनको, तारीफ। हाँ तो सही है ना। गाइस बेसिक सीन ये था आज का कि आज मैं सबको लेके आना चाह रहा था मेरे फेवरेट टर्किश रेस्टोरेंट में, एंड आई रियली विश दिस वाज स्पॉन्सर्ड, एंड आई रियली विश कि मुझे वैसे ही बुला लेते यार कि आया आपको टर्किश खाना बड़ा अच्छा लगता है यहाँ का, तो फिर यहाँ पे खाएं। तो मैं मतलब अच्छा लगेगा वैसे हमें अगर हमें बुलाया जाए, लेकिन नहीं वैसे भी मतलब नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, लेकिन अमेजिंग फूड। अभी खाया भी नहीं गाइस ये, लेकिन हम कितनी दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पे, ये लैम है यहाँ पे और कुछ साइड में हमने बीफ रखे। और हाँ नहीं मम्मी यहाँ पे हमारे सीट चेंज कर लिए। अम्मा मुझे भी डाल देना प्लीज। अच्छा ये आधी दे देते हैं तो बहुत बड़ा है। सीमी जी बीफ खा रही हैं लैम? मैं तो फिलहाल बीफ खा रही हूँ, पर आपकी प्लेटर की तरफ भी जाऊँगी।
कुछ आप है तो देना चाहे मम को। आ हा 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 गाइस ये द टेंडर जूसी बिस्मिल्लाह। मैं तो खाना खा के ना ऐसे हो जाता हूं जैसे वो रेड मीट खा के आप स्लो नहीं हो जाते वो ऐसी कैफियत होती है मेरे दिल कर रहा मैं सो जाऊं और सीरियसली घर जाके बस सो ही जाएंगे। पर क्या और कुछ चाहिए? नहीं बहुत शुक्रिया। कैसा लगा? एमन जबरदस्त। अरे कह रहे थे क्या बोल दी क्या कढ़ाइयाँ तिक्के बहुत हो गए। हाँ तिक्के कढ़ाइयाँ कबाब बिरयानी ये बिल्कुल अब दिल नहीं करता खाने को। थोड़ा डिफरेंट सा है ना यहाँ ज़रूर आए आप लोग खाएं बहुत अच्छा फ्लेवर है। स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं होता लेकिन इसमें फ्लेवर बहुत है। ज़्यादा हूँ आपको कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। बस ये वन वर्ड का बोल रहे हैं ना तो मैं रिज्यूम करूँ नहीं अच्छा लगा? अच्छा नहीं मतलब इतना अच्छा था कि हम कढ़ाई बिरयानी और बारबेक्यू सब भूल गए जो इसलिए खाना था माशाल्लाह। बेबी कलर बताएं कैसा लगा? बहुत आला। इतनी ऑकवर्ड हुई थी सीमा काला गाइस हम इसकी वजह से नहीं आ रहे थे। मानूर से इसलिए नहीं पूछ रहे मानूर की वजह से आ ही नहीं रहे थे हम। मैंने पेट भर लिया। ये देखें लैम्ब है बीफ है चिकन विंग्स खाना इनसे तो पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको पता अच्छा लगा है। दूर से देखें व्लॉग के अंदर व्लॉग यहाँ पे चल रहा है। अम्मा अपना यहाँ पे रिव्यू दे रही है कि ज़बरदस्त ओहो पपराजी पपराजी। तो गाइस फाइनली डन विद द फूड एंड अब ज़रा घर चलते हैं क्योंकि इनको कुकी चढ़ रही है बहुत बुरी किस्म की इनको सोना है और हमारा जो स्लीप स्केड्यूल है वो उनकी वजह से थोड़ा सा आउट हो गया क्योंकि हमारा बड़ा सिंक्रोनाइज था ना तो अब क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन ख़त्म हो गई थी तो फिर इसलिए फिर हम आज अपनी जो रूटीन है वो ज़रा थोड़ी सी ठीक करते हैं आज ज़रा अलाइन करके सोते हैं। हम मदाम ये टीवी में काम अच्छा अंदर ही आ रहा है मुझे लगा कहीं का रिफ्लेक्शन आ रहा है। घर बस कर दो यार यहाँ पे भी क्रिकेट देखना है। तेरी हुडी ब्लैंकेट कब आएगी? अभी टाइम लगेगा। मैंने अपना ना ब्लैंकेट मंगाया था शार्क वाला उसका साइज देखने वाला था। अपने शार्क ब्लैंकेट का जरा साइज तो दिखाओ। नहीं वो शार्क ब्लैंकेट ब्लैंकेट नहीं थी फिर वो कॉस्ट्यूम टाइप था लाइक शार्क कॉस्ट्यूम। चले सीमी जी बिल्कुल चले। मोटा खान कहाँ है? मोटा खान तो तस्वीरें खिंचाने में लगी हुई है। ये देखो मॉडल ऐसे चलते आ रही है मॉडलिंग। ओह इस घर आ गए हैं जरा रुको कोई इंजर पिंजर ढीला करवाओगी वो जरा बाजू दिखाओ अपना जो खून डोनेट किया गाइस ये देखिए अनिया ने खून डोनेट किया और अनिया का यहाँ पे ब्रूस चेक करें और अटेंशन सीखनी है। ये देखें सीमी ये जो दिया था ब्लड इतनी नाजुक है ये। एक्सक्यूज मी आधा लीटर खून दिया है मैंने Excused. पाकिस्तान में ना एक तो बड़ा सिंपल एक बड़ा सिंपल सा एक रूल होता है अगर किसी ने आपकी एक्सक्यूज नहीं बोला ना तो आप ऐसे नहीं हट जाए एक्सक्यूज्ड और एक और भी लाइक ऐसे ऐसे सांस करो एक्सक्यूज मी मतलब एक्सक्यूज नहीं बोलो धक्का मार के भी जाना है तुम्हारा ये निकाले हैं ले लो क्या नहीं मैं बड़ा लेके जा रहा हूँ ले लो तुम वो डिग्गी बंद कर दो बस। तो चलें गाइस आज से फ्राइडे आपसे मुलाकात होती है कल एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।